अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन। हम देख रहे हैं एंटरटेनमेंट पाकिस्तान और आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सरवर भट्टी, जो 1979 में रिलीज़ होने वाली एपिक मौला जट के प्रोड्यूसर हैं। इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री। हम उनकी फिल्म के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में उनके क्या तासुरात हैं वो भी जानेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले हमें बताएँ कि ये जो गंडासा है आपकी फिल्म का, ये कहाँ से आया? किसी अफसाने से आपने इंस्पिरेशन ली है? कहाँ से ये आया, कहाँ से? पहली बात तो उसमें ये गंडासा पहली बार उसमें आया। वैसे टोका जो था ना, ये एक फिल्म पहले बनी थी वैशी जट से, वो उसमें था जुल्म दा बदला, वो टोका इतना सा छोटी मुठ के साथ, और ये लंबी लंबे डंडे के साथ या डांग के साथ आगे गंडासा, ये वैशी जट। तो वैशी जट में इन्होंने बाद में एक बार क्लेम भी कर दिया इन पर, वो अहमद नदीम कासमी साहब ने वैशी जट के प्रोड्यूसर पर और राइटर पर, ये मेरे गंडासा अफसाना से इन्होंने लिया है। तो वो पता चला कि उन्होंने कोई मुआवजा भी इनको देना पड़ गया था, अहमद नदीम कासमी साहब, तो इन्होंने वहाँ से शायद लिया हो। मैंने जो इसका इफ़ेक्ट मेरे पे हुआ वो वैशी जट से था, तो वैशी जट मुझे बड़ी पसंद थी इस वजह से कि उसमें एक नया एक्सप्रेशन, जो पाकिस्तानी फिल्मों में एक्शन एक्सप्रेशन था ना, वो इससे पहले ऐसा कहीं नहीं था, तो वो मुझे बड़ा अपील किया, उसको मैंने वहाँ से लिया गंडासा। लेकिन मौला जट में असल खूबी जो थी वो दैट वाज नॉट द करेक्टर ऑफ मौला जट। वहाँ इसमें वो मेरा क्रिएटेड करेक्टर था नूरी नाथ जी जी, और ये कहानी मौला जट की जो है, मौला जट इसमें बाद में आया। अच्छा, तो नूरी नाथ और दारू और जो था माखे का कैरेक्टर आपने कंसीव किया वो था? नहीं, पूरी कहानी मेरी है। अच्छा, ये मेरी कंसीव्ड है। ओके। और मेरी रिटर्न है ये, मैंने जब सुनाई तो नासिरदीप कहने लगा ये रिटर्न फॉर्म में मुझे नहीं मिल सकती, तो मैंने कहा मिल सकती है, मैं बोलता जाता हूँ, कोई बंदा दो जो लिखता जाए। इन्होंने फिर एक फैज मलक नाम का असिस्टेंट था मुझे वो दिया, तो मैं बोलता गया वो लिखता गया, तो लिखी हुई फॉर्म में जब नासिरुद्दीन ने वो पढ़ा तो इसका कहना था ये 90% कंप्लीट है ठीक फिल्म के लिए। तो मैंने इसे कहा नहीं नहीं, अभी ये आपने 90% इसमें ऐड करना, जो मैं लिखवा सका हूँ वो भी फील करो, जो मैं नहीं लिखवा सका वो भी फील करो। तो उसमें यानी डायलॉग्स जो है वो फिर एडिशन आपने उनसे करवाई है? डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले और उसकी फिल्मी लैंग्वेज, वो इसने मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक लिखा, और जो ये नहीं लिख सकता था वो मैं खुद उसमें ऐड कर देता। मसलन क्या क्या चीज़ें आपने? मसलन कई डायलॉग जो हैं, वो ये जो डायलॉग था उसकी टांग तोड़ने के बाद जो वो कहता है मुस्वा कुरैशी उसको, कैफी साहब को, उस करेक्टर को, कि अज तो बाद जदों भी तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी आवाज़ नहीं, नत 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 दी आवाज़ आएगी। ओए अज तो बाद जदों भी तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी ते ओदे विचों ठक 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 दी
की आवाज नहीं, नूरी नत 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 की आवाज आएगी। ये मेरा अपना डायलॉग, इस तरह हर सीन में कम से कम दो डायलॉग मेरे अपने थे, कम से कम, जिससे मैंने वो करेक्टरों की कन्वर्सेशन जो है कि वो बोलते कैसे हैं, वो कहते क्या हैं, ये मेरे स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद था। अच्छा, कैफी साहब का आपने जिक्र किया, तो उनको एज अ डायरेक्टर पहले आपने उनको हायर कर रहे थे? हाँ, मैंने कैफी साहब से कहा था कि आप इसको डायरेक्ट कर दें, लेकिन आप इसमें एक्ट ना करें, क्योंकि उसकी डायरेक्टर के तौर पे सलाहियतों का मैं मुतरफ था। तो वो कहने लगा कि नूरी नत का रोल मैं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं कैफी साहब, ये मुस्वा कुरैशी के लिए मैंने सोचा हुआ। तो वो फिर कहने लगे कमाल है, आप मुझे डायरेक्टर ही नहीं, मुझे एक्टर ही नहीं समझते। तो मैं तो अपने से बड़ा किसी को एक्टर ही नहीं मानता। मैंने कहा वो आपका ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा करेक्टर जो है ये बेस्ट मुस्वा कुरैशी करेगा। सो वो आपकी पहली चॉइस वही थे? वही थे। तो आपको उनकी पंजाबी का आइडिया तो था ना कि उनको नहीं आती बोलनी, और ज़ाहिर सिंधी थे वो, तो किस तरह से आपने ये बड़ी कमाल एक स्टोरी है इनको साइन करना। वो कुरैशी साहब तो उस वक्त मसरूफ थे, वो कहने लगे हर बार मुझे कहें जी मैं मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नया था, तो मैंने फिर इनको अंडर प्रेशर ला के ना इनको मैंने साइन किया। कैसे अंडर प्रेशर कैसे लाए इनको? वो मैं तो इस बात पे था, मैं उस वक्त बड़ा डैशिंग होता। अच्छा, कि अगर ये मेरी फिल्म में काम नहीं करेगा तो इसको कुछ मारूंगा मैं, ताकि ये किसी और फिल्म में भी काम ना करे। वो फिर एक दोस्त ने कहा नहीं नहीं यार, मैं उसको समझाता हूँ। तो वो एक हाजी मोहब्बत अली होते थे, वो भी कई फिल्मों के प्रोड्यूसर बने बाद में। आखिरी फिल्म उनकी वो सखी बादशाह बड़ी हिट हो गई। उनको मैंने जब अपने इरादे बताए तो वो मुझे कुरैश साहब के पास ले गए। तो उन्होंने कुरैश साहब को कहा, कुरैश साहब ये बड़ा ख़तरनाक आदमी जे, इनू तुसी छोटा ना वेखो, सीधी फिल्म करो। तो मैंने कहा मैंने वो करेक्टर आपके लिए बनाया और आप कहते हैं मैं मसरूफ हूँ, क्या कर रहे हैं आप, फिल्मों में काम ही कर रहे हैं, तो मेरी में भी करें। अच्छा, उनका क्या अंदाज़ आपको ऐसा पसंद था कि आपको था कि मैंने इन्हीं को ही कास्ट करना है? वो असल में उनका कद काट, उनकी आँख, उनका बोलने का स्टाइल, वो मुझे सूट करता था। और फिर मैंने इनके लिए छोटे जुमले लिखवाए थे, मसलन ये नवा या सोनिया, छोटा जुमला, ताकि वो उसको अदायगी में वैसा करेंगे तो अच्छे लगे। फिर उन्होंने अपना स्टाइल उसमें ज़ाहिर, उन्होंने फिर अपने स्टाइल में किया और उन्होंने करेक्टर को बहुत प्लस किया। एक्टर की एक अपनी होती है एबिलिटी, अगर नालायक आदमी किसी एक्टर को रख लें आप और वो आपकी बात को समझ ही ना सके, वो वैसा कर ही ना सके, तो वो स्क्रिप्ट का वो असर वो नहीं बनता, इम्पैक्ट नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और सच्ची बात तो यह है कि मुस्वा कुरैशी और सुल्तान राई वो मेरे थॉट्स के मुताबिक चले। तो आप देखें राई साहब उसके बाद गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए, और मुस्वा कुरैशी के क्रेडिट पे आज तक नूरी नाथ से बड़ा कोई करेक्टर नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपकी फिल्म बैन भी तो हो गई थी, उसका सुनाएं किस्सा, कैसे फिर आपने बैन हटवाया कैसे? ये फिल्म जो है ना शुरू से ही एक पैनिक था कि ये फिल्म लग गई तो इसको पुलिस ही उतारेगी, ये स्टूडियो में इसकी रेपुटेशन, बातें इस तरह की निकलती थी स्टूडियो। अच्छा, वो मुझे लोग कहते थे, ये एक्टर भी कहते थे, डायरेक्टर भी, राइटर भी, कि ये आप क्या करवा रहे हैं, ये तो पास ही नहीं होगी, ये सेंसर ही नहीं होगी। मैंने कहा यार तुम करो तो सही, सेंसर बाद की बात है, पहले कोई चीज़ ऐसी बने तो सही। वायलेंस की वजह से उसमें जो नहीं, उसमें जो स्टाइल था ना उसका, वो ऐसा था कि वो डैशिंग था, वो एक्शन नहीं भी हो रहा होता था ना फिल्म में, तो करेक्टरों की जुबान और उनका अंदाज और उनकी करेक्टराइजेशन में वो इतनी डोमिनेशन थी, लाउड ज़्यादा थी, लाउड और एक होता है नॉर्मल एक्सप्रेशन,
एक होता है सुपर नॉर्मल, एक होता है कि अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन, इसमें वो था और उसी की वजह से वो आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। अब देखें बाद में दल मौला जट के बाद मौला जट इन लंदन बनी, उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था, एक्टर भी वही, करेक्टर भी वही, राइटर भी वही, डायरेक्टर भी वही, और फिल्म फ्लॉप। फिर मौलाते मुखो बनी, डायरेक्टर वही, एक्टर भी वही, राई साहब जी जी, फिल्म फ्लॉप। जट दा वैर बनी, फिल्म फ्लॉप। जिद्दी जट बनी, फिल्म फ्लॉप। जितने जट बने हैं बाद में वो फ्लॉप हुए, वाई कि सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था। तो मैं आम फाइनेंसर टाइप का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव माइंडेड हूँ। बिल्कुल ऐसे ही नहीं तो बैन हटवाया कैसे फिर आपने? हाँ, इसको जब मैंने प्रिंट निकाला तो सीधा मैं प्रेसिडेंट हाउस लेके गया, सेंसर प्रिंट। उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस एस अनवारुल्लाह, उनके साथ हमारे फैमिली रिलेशन थे एक तरीके से, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे उस वक्त। जनरल ज़िया साहब सदर थे, वो गए हुए थे 10 रोज के टूर पे चाइना, और ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे। तो मैं प्रिंट सीधा इनके पास लेके गया कि जी ये इसके सेंसर में लोग कहते हैं जी सेंसर नहीं होनी, तो मैंने बड़ी साफ सुथरी फिल्म बनाई, इसमें कोई न्यूडिटी नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं। तो वैसे इतराज़ की वजह क्या थी? पहले बैन कर दी इन्होंने, फिर एपिलेट बोर्ड ने ये फिल्म पास की, और एपिलेट बोर्ड में फेडरल सेक्रेटरीज लेवल के लोग थे, और अनकट पास हुई, विदाउट एनी कट फिल्म पास हो गई। पिक्चर रिलीज के बाद इतनी बिग हिट हो गई कि उसकी पॉपुलैरिटी के जो बाकी फिल्में हिट हुई थी पाकिस्तान में, इवन इंडिया की फिल्में 65 से पहले यहाँ लगती रही, और वो भी आन आवारा बरसात बड़ी बड़ी फिल्में, वो उनकी हिट होने के जो स्टाइल था या उन पे जो पब्लिक के आने का स्टाइल था, ये उन सबको सुपरसीड कर गए। इतनी पब्लिक आई कि 10 रुपये की टिकट होती थी गैलरी की और वो 100 रुपये की बिक रही होती, उसकी ब्लैक हो रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है, और लोग डंडे खा रहे हैं, और लोग लाइनों में लगे हुए हैं, और कपड़े उतार के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं कि यार वो फिल्म देखनी है, इतना रश है तो कैसे आए। तो ये सारी बात जो थी ना वो चल रही थी कि एक रोज़ दिलदार परवेज भट्टी साहब, उन्होंने टाकरा एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी के अलावा कोई चैनल नहीं होता, उन्होंने कह दिया कि मुल्क में पाकिस्तान में मार्शल ला और मौला जट साथ साथ चल रहे हैं। वो उन्होंने टाकरा को बैन कर दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया, भट्टी साहब को हटा दिया, और पिक्चर को भी उन्होंने अपना गवर्नमेंट खिलाफ चल पड़ी। अब उन्होंने एक साल से ऊपर चलते हुए हो गया था इसे कि इन्होंने सिविल लॉ के तहत मुझे एक नोटिस भेजा कि आप पिक्चर अनसेंसर्ड फिल्म चला रहे हैं, तो इसको उन्होंने वो नोटिस मैंने देखा तो अभी बैन नहीं हुई थी, तो मैं हाईकोर्ट चला गया। तो हाईकोर्ट में जाके मैंने कहा जी ये इनके इरादे सही नहीं लग रहे और ये पिक्चर को बैन करना चाहते हैं, तो विदाउट एनी रीज़न, तो ये अनकट सर्टिफिकेट है मेरे पास और सर्टिफाइड फिल्म में चला रहा हूँ और ये उसको बैन करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने 14 दिन का स्टे दे दिया, इस दौरान इन्होंने बैन का ऑर्डर किया। तो बैन का ऑर्डर और हाईकोर्ट का स्टे वो साथ अखबारात में छप गए, पिक्चर पे रश और बढ़ गया, तो पिक्चर उतरने नहीं दी मैंने। 14 दिन के बाद हाईकोर्ट ने इनका नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने बैन किया था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया, पिक्चर फिर एक साल चलती रही, तो वो उन्होंने एक साल के बाद फिर इसको बैन किया।
और 2 साल से ये चल रही थी और इस बार इन्होंने पता नहीं चलने दिया, वो खुफिया तौर पे बैन कर दिया, मैं हाई कोर्ट नहीं जा सका, तो इन्होंने पिक्चर चलती को उतार दिया। उतरने के बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, रिट की 27 दिन हेयरिंग हुई और 27 दिन के बाद फिर मेरी फिल्म को हाई कोर्ट ने कहा कि इसको इलीगल बैन किया गया, फिर खुल गई। फिर तीसरी बार इन्होंने जनरल ज़िया की गवर्नमेंट ने इसको मार्शल लॉ के तहत बैन कर दिया। उसके ऊपर फिर मैं जनरल ज़िया से जाके मिला, वो CMLA थे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उनको मैंने मुलाकात की। आई डोंट सी एनी जस्टिफिकेशन वाई MLO 81 इज अप्लाइड ऑन योर फिल्म। तो फिर उन्होंने मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई और उन्होंने मेरी फिल्म को फिर खोल दिया, लेकिन उसमें कटिंग कर दी, बहुत सी फिल्म काट दी। अब ये फिल्म वीडियो पे अनकट चल रही थी और सिनेमाओं में विद कटिंग चल रही थी। अच्छा। इसके बावजूद फिल्म ने सेकंड रन जो बिजनेस किया वो फर्स्ट रन से भी ज़्यादा था, कटी हुई फिल्म ने भी इतना बिजनेस किया। तो मैं फिर 6 साल स्ट्रगल में रहा कि मेरी कटिंग वापस करो, फिल्म का अनकट सर्टिफिकेट बहाल करो। वो फिर मैं बेनजीर साहबा की हुकूमत आई तो मैं हाकम अली जरदारी से मिला। ये कितने अरसे का आपको बता रहे? 6 साल लगे, यानी 84 में सेकंड रन लगी थी, फिर 89 में बेनजीर साहबा की हुकूमत आई तो मैं हाकम अली जरदारी से मिला। तो मैंने उन्हें कहा जी ये जनरल ज़िया साहब की गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये जुल्म किया था तो इसको कटिंग मुझे वापस करें। उन्होंने फिर मिनिस्टर से कहा तो वो फिर मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने मेरी फिल्म की कटिंग वापस की। अब इसका सर्टिफिकेट अनकट है मेरे पास, वो जो पहले दिन का सर्टिफिकेट था ना वो मुझे फिर वापस मिल गया हुआ है। और ये जरदारी और उसका बाप जो है ख़ास तौर पे हाकम अली जरदारी, वो उनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, नेकी है। तो बाद में मुझे ये खुशी है कि ये सदर जब आसफ जरदारी साहब सदर बने तो ये एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये डायलॉग बोल रहे थे कि भाई हम तो इस बात पे हैं कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सकता। तो अब ये जो आपका सर्टिफिकेट आपने ले लिया है तो अभी जो हम फिल्म देख रहे हैं वो वही अनकट वर्जन है? वो अनकट वर्जन है। यूट्यूब पे भी वही चल रहा है? यूट्यूब पे भी वही है, लेकिन 2 शॉट इसमें मैंने खुद निकाले हुए हैं। वो जो टांग काटने के शॉट्स थे ना गंडासे के साथ, वो मैंने खुद ऑफ कर दिए। अच्छा। कि मुझे वो पहले दिन से मुझे वो पसंद नहीं थे, वो डायरेक्टर की उसमें जो थी ना वो इसरार था कि ये ज़रूर डालें। तो ये जो टांग काटने वाला है ये तो आपकी तो इसमें क्या पूरा सिलसिला जो आपका चाह रहे थे कि नहीं ये सीन होना चाहिए और जो विलन है वो खुद अपनी टांग काटे? वो क्लाइमैक्स में जो मुस्तफा कुरैशी ने अपनी टांग खुद काटी है ना, इस पे मेरा डायरेक्टर के साथ और सुल्तान राय साहब के साथ और ये इनके साथ ख़ास तौर पे क्लैश हो गया था। अच्छा। ये कह रहे थे जी ये विलन जो है एंड पे उसकी टांग मौला जट खुद काटेगा। मैंने कहा वो खुद काटेगा हीरो तो ये हर फिल्म में होता है कि एंड पे विलन को जलील कर दिया जाता है। मैंने कहा मेरा विलन ऐसा है नहीं, तो मैंने कहा वो ऐसा नहीं होगा, वो उसने अपनी टांग खुद काटी है, उसने हीरो की अजमत का एतराफ़ खुद किया है और जब वो गिर गया है तो उसने अपनी टांग खुद काटी है। तो उसने जब कहा है कि अपना जाओ जटा ये लत तू अपना इंसाफ समझ के लै जा, असी इनू तेरी बहादुरी का इनाम समझ के भूल जा। उसकी बहन ने कहा वीरा दुख से टांग काट दी इसने, तो उसने कहा ना 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 मैनू अपना वीर ना आखी, जदों तक नत्ता इच कोई मौला नहीं जमता, जाओ जट्टा जिगर का टुकड़ा भी लै जा ते जिसम का टोटा। तो इस पे पब्लिक ने ऐसे बाजू खड़े कर दिए कि भई ऐसा विलन नहीं देखा कि जो हीरो की अजमत का खुद एतराफ़ करे। नूरी
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਏ ਤੇ ਲੱਤੇ ਇਹ ਲੱਤ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੀਰਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਨਾ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਜਾਵੇ ਚੱਟਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਔਰ ਯਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸਾ ਵਿਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬਨੇ 75 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਮੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਲਨ ਹੈ ਨਾ ਵਿਲਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੀਰੋ ਕੋ ਬੜਾ ਬਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਟੱਕਰ ਪੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਯਾਨੀ ਵਿਲਨ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਗਾ ਹੀਰੋ ਜਬ ਉਸੇ ਗਿਰਾਏਗਾ ਤੋ ਵੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੋ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਥਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਝੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਝੇ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖੂੰ ਤੋ ਤੁਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸੇ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਕੋ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਹੀ ਐਂਡ ਰਹੇਗਾ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੋ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੀ ਟਾਂਗ ਕਾਟੇਗਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਜਬ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਂ ਲਗੇਗੀ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਢੂੰਢਤੇ ਫਿਰੇਗੇ ਔਰ ਵੋ ਪੀਸ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਮੇਂ ਹੋਗੀ ਤੋ ਵੋ ਲਗੇਗੀ ਤੋ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਗੀ ਫਿਲਮ ਫੇਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੋ ਹੋਣੇ ਦੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਝਸੇ ਵੋ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੋ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਸ਼ਾਨ ਓ ਸ਼ੌਕਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਐਂਡ ਪੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਆ अनकन्वेंशनल था ना उसका हाँ, पूरा वो अलग कर वो तो सुपर हिट थी। अच्छा एक और स्टोरी हमें पता है वो ये कि जो शबिस्तान सिनेमा है उनके ओनर जो है सफदर खान साहब उन्होंने मतलब फिल्म वहाँ पे लगी हुई थी शबिस्तान में और वो इतनी सुपर हिट थी और उसकी इनकम से उन्होंने फिर प्रिंस सिनेमा बनाया जो साथ था ये सही ये बात वो राबिया बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये 2 साल से फिल्म चल रही थी और उसकी 10 रुपये की टिकट जो थी ना उसमें से 6 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स होता था अच्छा जो प्रोड्यूसर को मिलते थे वो 4 रुपये मिलते थे उसमें से भी ये एयर कंडीशन की मद में 1 रुपया ले लिया फिर और कई इन्होंने खर्चे डाले होते थे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा जा रहा था और सिनेमा वाला जो है वो ब्लैक में ओवर चार्जिंग में उसकी 10 रुपये की टिकट 100 रुपये की बिक रही उन्होंने इस फिल्म के चलती के दौरान शबस्तान की ग्राउंड में नया सिनेमा प्रिंस के नाम से बना दिया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने ब्लैक के ऊपर चार्जिंग में से मुझे कुछ नहीं दिया ना मैंने लिया मैंने दुआ की मैंने कहा या अल्लाह इनके हराम में इजाफा कर और मेरे हलाल में इजाफा कर और मुझे हलाल ही इतना अल्लाह ने दिया कि मैं आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल पहले दिन की तरह आज भी मजबूत और खुशहाल हूँ और ये अल्लाह की देन होती है उसने मुझे आज तक कहा अच्छा आपने लेजेंड ऑफ मौला जट का जो है वो देखा ट्रेलर तो आप क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं क्या फ़र्क लगता है आपको अपनी फिल्म में और जो वो असल में इन्होंने उसको कोई वेस्टर्न स्टाइल उसको दे दिया है तो वो अपने कल्चर की चीज़ को तो नहीं होगी ये मुझे मेरी फीलिंग ये है कि मेरी फिल्म जो थी वो अपने पंजाब के कल्चर को पोर्ट्रे कर रही थी और वो दिखा रही कि जो पंजाब में होता है इन्होंने उसको वेस्टर्न स्टाइल दिया है अब ये मेरे टाइटल का मौला जट का या उसकी पॉपुलैरिटी का इनको बेनिफिट मिलेगा लोग देखने आएंगे लेकिन हो सकता है मैं इनकी रिलीज़ से पहले मैं अपनी फिल्म भी पब्लिक के सामने लाऊं अच्छा कि पहले असल देखो सही असल देखने के बाद फिर इनका जो वेस्टर्न स्टाइल का वो इन्होंने इफेक्ट दिया है वो भी देखो तो आप फैसला करो कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है और अच्छा आपका झगड़ा इनके साथ तो था कुछ थोड़ा सा तो क्या सेटलमेंट किस तरह से फिर की थोड़ा सा बता दें हमें बस हल्का सा वो असल में इनको मैंने पहले रोका था मैंने कहा ये फिल्म नहीं है
मौला जट इज़ नॉट ओनली ए फिल्म, ये मेरी रियासत है, ये मेरी ऑनर है, ये मेरी पॉपुलैरिटी का सोर्स है और मेरी क्रिएशन है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लामा इकबाल ने किताबें लिखी हैं, तो उसके शेरों पे कोई अपना नाम लिख दे कि ये शेर अल्लामा इकबाल के नहीं हैं, ये मेरे हैं, तो ये ऐसे कर रहे थे। तो मैंने फिर इनको समझाया, पहले रोका, ये नहीं रुके, बिलाल को भी मैंने रोका, फिर कामरान लाशारी साहब से भी मैंने कहा कि यार आप दोस्त हो मेरे, अच्छे आदमी हो, तो आपके साथ मेरा प्यार रहा है, तो बच्चों को रोको, ये मेरी इजाज़त के बगैर ये फिल्म ना बनाएं, और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, अगर मैं एग्री कर जाऊं तो फिर ये बनाएं। इन्होंने वायलेशन की, वो फिर मेरे पास सेंसर सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, राइट फ्रॉम 79 टू टिल येट, और 24 तक वो मेरे पास है सर्टिफिकेट। मैंने इसको कॉपी राइट भी इसके रिजर्व करवा लिए हुए थे, वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास रिजर्वड है, आईपीओ उनके अदारे का सर्टिफिकेट है, अब तक मैं रेगुलर इनकम टैक्स पेयर हूँ, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। इन्होंने जो वायलेशन की वो बाजना नहीं आ रहे थे, वो फिर मुझे कोर्ट्स में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, एफआईए में, पुलिस में, तो ये फिर जब इन्होंने एहसास इनको हो गया कि भट्टी साहब की इजाज़त के बगैर हम फिल्म नहीं लगा सकते, फिर ये कंप्रोमाइज़ पे आ गए, तो मैंने इनको वो इजाज़त दे दी, मैंने कहा चले जाए लगाएं। तो खैर मकसद मेरा कोई इनको डैमेज करना नहीं है, ना इनकी रुकावट बनना है, अल्लाह उनको कामयाबी दे, मेरी उनके लिए दुआ भी है, ब्लेसिंग भी है, कि ये आज की नस्ल जो है वो अगर आज भी 43 इयर्स बैक की मेरी चीज़ को आज भी टेकअप कर रही है और उसको ऑनर दे रही है, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। लेकिन इनको मैंने कहा कि मैंने राइट्स आपको नहीं देने, इजाज़त दी है कि चले जो आपने बनाया वो रिलीज हो जाए, तो अब ठीक है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। लेकिन मैं इस वक्त मेरी विश है कि नई नस्ल ने पिछले 20 सालों से मेरी फिल्म बिग स्क्रीन पे नहीं देखी, तो मेरी कोशिश है कि मैं इनकी फिल्म से पहले मैं अपनी फिल्म पब्लिक के सामने लाऊं, ताकि ओरिजिनल वो पहले देखें, फिर उसकी अडॉप्टेड जो है ना वर्जन वो बाद में देखें इंशाल्लाह। चलें जी, बड़ा मज़ा है आपसे बात करके, एंड यू जस्ट होप कि आपकी भी जो फिल्म अगर आप लगाना चाह रहे हैं सिनेमा में, तो वो भी लोग आएँ और आके देखें, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके बेटा, आप आपसे मिलके खुशी हूँ, और मैं ख्वाजा राशिद साहब का और आपका थैंकफुल हूँ, थैंक यू कि आपने मुझे इम्पोर्टेंस समझा, इम्पोर्टेंस दी, थैंक यू।